हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रेसिपी बहुत ही अलग है, जो घर के सामानों से बनी हुई है, तो झटपट से बन जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। ये दो रोटी ली हैं, बची हुई रोटी हैं, आलू का लिया है मैंने भरता, जिसको मैश करके अच्छे से चटपटा बना लिया था। और एक कटोरी मैंने घुला हुआ बेसन लिया है, आधा घंटे पहले घोल के रख दिया था। तो अब हम एक रोटी उठाएंगे और हरे धनिया की ये मैंने चटपटी सी चटनी ली है। तो इस चटनी को हम चम्मच की हेल्प से अच्छे से रोटी पर फैला देंगे। अगर आप चटपटा नहीं पसंद करते हैं तो आप इसमें मियो या फिर मीठा सॉस भी लगा सकते हैं, या फिर और कोई भी चटनी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने चटनी अच्छे से लगा दी है और दूसरी रोटी पर हम लगाएंगे सॉस। अगर आपको सॉस भी पसंद नहीं है तो आप इसमें सेजवान चटनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हर चीज़ का अलग थोड़ा टेस्ट आएगा, तो जो पसंद हो वो आप लगा लें। और जब भी आपके घर में रोटी इस तरह से बच जाए, और बच्चे रोटी खाने के लिए आनाकानी करते हैं ना, तो इस तरह से ज़रूरत नहीं है, कभी भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं, सभी को पसंद आएगा। तो मैंने अच्छे से सॉस भी लगा दिया है। और अब जो हमने आलू का मिक्सचर लिया था ना, तो उसको हम हाथों की हेल्प से पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे। किनारियों पर अगर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उंगलियों से उसको किनारियों से सेट कर देंगे। और अच्छे से मैंने पूरा, और ये मैंने आलू पूरे में अच्छी तरह फैला दिए हैं। अगर साइड से निकलने हों तो उंगली से इस तरह से इसको सेट कर दें। अब जो दूसरी रोटी ली थी मैंने चटनी वाली, उसको इसके ऊपर लगा देंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद हम कुकी कटर लेंगे या फिर चाकू ले सकते हैं आप, और इसको चार भागों में कट कर लेंगे। तो ये चार भागों में मैंने रोटी को कट कर लिया है। अब एक भाग को उठाएंगे और उठाने के बाद बेसन में अच्छे से लपेटेंगे। बेसन में अच्छे से मैंने लपेट लिया है और गरम तेल में इसको फ्राई कर लेंगे। ये चारों सैंडविच एक बार में ही हमारे आ गए हैं, और अब हम इसको पलट कर दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेक लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया नाश्ता सीख गया है, गोल्डन ब्राउन चारों तरफ से बहुत ही करारा हो गया है। और इसको अब निकालेंगे और गर्मा गर्म चटनी सॉस किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो निकाल लेती हूँ मैं सभी को। दोस्तों, रोटी का नाश्ता हमारा बन के तैयार है, सॉस के साथ सर्व किया है। आप चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।